नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शोगन वैल्यू प्लस कैंपस पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है कैलेंडर। कैलेंडर दोस्तों रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी, एचएसएससी, रेलवे सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रीजनिंग में अंदर कैलेंडर को, क्लॉक को अच्छे टॉपिकों के अंदर से माना जाता है, यानी कि क्लॉक और कैलेंडर रीजनिंग के सबसे अच्छे टॉपिक माने जाते हैं। और दोस्तों, एक और अफवाह जो सबसे ज़्यादा फैलाई गई है कि सर कैलेंडर और क्लॉक सबसे टफ टॉपिक है। दोस्तों ऐसी बात नहीं, हम कैलेंडर को बेसिक से और ट्रिकी मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग के नए टॉपिक कैलेंडर की जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर के अंदर हम सारे का सारा टॉपिक टाइप के हिसाब से पढ़ने वाले, यानी कि सबसे पहले पहली टाइप, फिर दूसरी टाइप, फिर तीसरी टाइप। टाइप के अनुसार पढ़ने में दोस्तों सबसे आसान बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ना तो हमारा कोई भी क्वेश्चन रहता है और जिसको आसानी से जिससे हम आसानी से सारा का सारा टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों, हमारे इसके अंदर हमारे कुछ कोड की सहायता लेनी पड़ेगी। सारा का सारा कैलेंडर टॉपिक दोस्तों हम कोड के अनुसार करने वाले हैं, कोड की सहायता लेके करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो जल्दी से कोड की शुरुआत करते हैं। कैसे? यहां पे चलो भाई, यहां पे दोस्तों मैंने सबसे पहले लिखा है मंथ्स और यानी कि महीने, और साथ ही लिख दिया गया सर कोड, यानी कि मंथ और कई मंथ के कोड हम यहाँ पे लिखने वाले। कैसे? सबसे पहले दोस्तों हमारा कौन सा महीना आता है? सर जनवरी। उसके बाद कौन सा आता है भाई? सर फरवरी। नेक्स्ट सर मार्च। नेक्स्ट महीने की बात करें वो रहेगा आप लोगों का अप्रैल। अगला भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कि सर साल में होते हैं 12 महीने, तो दोस्तों इन 12 महीनों के कोड भी कितने बनेंगे? सर नॉर्मल सी बात है, अगर महीने 12 हैं तो इन सभी के कोड भी कितने बनेंगे? सर 12 ही कोड बनेंगे। कैसे उनको याद करोगे? सर 144, 025, 036 और 140। आप लोग दोस्तों एक बार और जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे, 144, 025, 036 और 140। एक बार और जल्दी से रिपीटेशन करेंगे, सर 144, 025, 036 और 140। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर लीप ईयर की, लीप ईयर की हमारे साल दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण वर्ष, यानी कि जिसको साधारण ईयर बोला जाता है, और दूसरी होती है दोस्तों हमारी लीप ईयर। साधारण ईयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी कोई भी साल जिसके अंदर दिनों की संख्या 365 रहती है। कितने रहती है दोस्तों? 365। और लीप ईयर के अंदर दोस्तों हमारे दिनों की संख्या 365 की बजाय कितनी हो जाती है भाई? 366। तो 366 दिनों में आपके ऊपर, यानी कि आपके कोड के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट किस बात का पड़ता है? कि सर जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ा सा अंतर आता है। किस बात का अंतर? अगर दिन की संख्या एक बड़ी है तो आप इनके कोड में से एक एक को माइनस कर देंगे। अगर आप एक में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 0। और चार में से घटाओगे तो कितना बचेगा? सर 3। तो आपको अगर लीप ईयर आप लोगों से पूछी जाती है तो आप जनवरी का कोड एक की बजाय दोस्तों कितना लिखोगे? 0। फरवरी का कोड 4 की बजाय कितना लिखोगे? 3। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और बाकी सारे के सारे महीनों के कोड सेम रहने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अगले नंबर पे आता दोस्तों हमारे सामने सर सी फॉर सेंचुरी और सी फॉर कोड। सेंचुरी का मतलब होता है भाई शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी, यानी कि अब हम यहाँ पे शताब्दी लिखने वाले। शताब्दी का मतलब क्या? कि सर शताब्दियों के भी कोड डिवाइड करने। जैसे मैंने सबसे पहले लिख दिया आप लोगों के सामने सर 1200। 1200 का मतलब क्या है? अब आप लोग मुझे बताओगे सिर्फ 12, सिर्फ 12 का आधा कितना होता है? आप लोग बोलोगे कि सर 6, सी फोर कोड है भाई। आप लोग मुझे बोलोगे क्या? सर 6। तो अब आपको क्या करना है इस शताब्दी के अंदर, शताब्दी के अंदर आपको 100 100 ऐड करते जाना है, और इस 6 में से आपको 2 2 घटाते जाना है।
कैसे इनके कोड बनाओगे? तो अब 1300 का कोड, यानी कि 1200 में आपने 100 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 1300। और इस 6 में से आप कितना घटा दोगे? सर 2 घटा दोगे तो अब आपके सामने कितना आएगा? 4। उसी प्रकार से आगे 1400 का दोस्तों कोड कितना आ जाएगा? सर 2। 1500 का कोड कितना आएगा? सर 0। उसके बाद 1500 में 100 जोड़ा तो कितना आ गया भाई? 1600। अब दोस्तों 1600 के स्थान पे तब आपको क्या करना है, अगर आपका कोड 0 हो जाता है, आपको फिर से 6 से शुरू कर देना है। अब 1600 का कोड भी कितना आएगा? सर 6। 1700 का कोड दोस्तों सर 4। 1800 का 2। 1900 का सर 0। और 2000 का सर 2000 का फिर से 6। और 2100 का दोस्तों 2100 का आ जाएगा भाई आपका 4। यानी कि आपको इस प्रोसेस को जारी रखना है, आपको सिर्फ 12 का आधा लिखना। 12 का आधा कितना होता है भाई? 6। और इसमें आप 100-100 जोड़ते चलोगे और उसमें से आप 2-2 घटाते चलोगे। 1200 में 100 जोड़ा तो कितना भाई? 1300। तो 6 में से 2 गया 4। 1300 में 100 जोड़ा 1400, और 4 में से 2 गया सर 2। इसमें 100-100 जोड़ना है और उसमें से 2-2 घटाना है। बाई चांस अगर यहाँ पे 0 आ जाते तो फिर से आप 6 से स्टार्टिंग कर दोगे। उसके बाद हमारे तीसरे नंबर पर एक कोड और बचता है भाई, जो रहेगा डेज के नाम से। यानी कि दोस्तों हमारे सप्ताह का सबसे पहला ही दिन माना जाता है भाई संडे, और संडे का आपका कोड रहेगा दोस्तों 1। संडे का कोड क्या रहेगा भाई? 1। उसके बाद दिनों की संख्या बढ़ती चलेगी, कोड की संख्या भी अपने आप बढ़ती चलेगी। तो यहाँ पे मंडे का कोड की अगर बात करें, मंडे का कोड रहेगा दोस्तों 2। उसके बाद मंगलवार के कोड की अगर बात करें, मंगलवार का कोड रहेगा दोस्तों 3। बुधवार के कोड की अगर बात करें, बुधवार का रहेगा 4। वीरवार की अगर बात करें, वीरवार का रहेगा दोस्तों 5। और शुक्रवार की अगर बात करें, शुक्रवार का रहेगा दोस्तों 6। और लास्ट में भाई अगर शनिवार की बात करें दोस्तों, शनिवार का कोड 7 की बजाय आपको लिखना है 0। कितना लिखना है भाई? 0। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने बोला था जिस प्रकार से दिनों की संख्या बढ़ेगी, कोड की संख्या भी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे 7, 6 से आगे 7 आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों 7 की बजाय कितना लिखना है? 0। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहां से लेकर वहां तक जितने भी कोड लिखे हैं वो सारे के सारे कोड दोस्तों 0 से 6 के बीच में। 0 से 6 के बीच का मतलब क्या है? ना तो एक भी कोड माइनस में लिखा गया है और ना एक भी कोड 6 से ज्यादा लिखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों शनिवार का कोड कितना लिखोगे? 0। कितना लिखोगे भाई? 0। शाबाश। अब दोस्तों ये सारा का सारा टॉपिक, यानी कि जो हमारा कैलेंडर टॉपिक है, इन कोड के ऊपर आधारित है। आपको इन कोड को याद रखना है। कोड अगर आप याद कर पाते हो अच्छे ढंग से तो आपका टॉपिक बिल्कुल सेकंडों में हल होगा भाई। आपका क्वेश्चन चुटकियों हम उसको हल करने वाले। कैसे? एक बार जल्दी से इन कोड का रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे मंथ के कोड लिखे गए भाई, जनवरी फरवरी मार्च इस प्रकार से। और कोड किस प्रकार से याद करोगे? सर 144, 025, 036, 140। और दोस्तों नॉर्मल सी बात है, अगर हम अपना मोबाइल नंबर या अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट का होता है, 10 अक्षरों का होता है, हम उसको याद कर लेते हैं, तो दोस्तों ये तो सिर्फ 12 ही अक्षर है, कौन सी बड़ी बात है भाई। तो हम इनको भी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, 144, 025, 036, 146। उसके बाद आपको यहाँ पे 12 का आधा लिखना। 12 का आधा कितना होता है? 6। तो उस प्रकार से यहाँ पे दिनों की सॉरी 1200 में आपको 100 जोड़ते जाना है और उसमें से आपको 2 घटाते चलना है। तो 1200 में 100 जोड़ा 1300, उसमें से 6 में से 2 गया 4। इस प्रकार से इसमें आपको 100-100 जोड़ना और उसमें से 2-2 घटाना है। और लास्ट वाला जो डेज का कोड है, आप उसमें क्या करोगे? सप्ताह का पहला दिन माना जाता है भाई संडे, यानी कि रविवार। तो संडे का कोड रहेगा आपका 1, मंडे का कोड रहेगा 2, मंगलवार का 3। इस प्रकार से दिनों की संख्या बढ़ेगी तो कोड की संख्या भी बढ़ेगी। और शनिवार का कोड दोस्तों 7 की बजाय कितना लिखने वाले हो? 0। कितना भाई? 0। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। ये कोड अगर आप अच्छे से ढंग से याद कर लेते हो तो सारा का सारा टॉपिक आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है? आसान। तो जल्दी से दोस्तों हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 1 से। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम सारे के सारे मोस्टली टॉपिक हम टाइप के अनुसार करने वाले हैं। जैसे पहले टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, चौथी टाइप।
तो जल्दी से आज हमारी पहली टाइप की स्टार्टिंग करते हैं कि सर पहले टाइप में हम लोगों से क्या पूछा जाएगा। दोस्तों पहले टाइप में हम लोगों से पूछा जाएगा सर किसी भी डेट पे किसी भी दिन का पता करना। एग्जामिनर आपको कोई भी डेट बोल देगा, एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा सप्ताह का दिन था। एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सर 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 13 अप्रैल 1919 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी कि हमें क्या करना है, आपके सामने कोई भी डेट रखी जाए तो उस डेट पे पता करना है कि सर सप्ताह का हमारा कौन सा दिन होगा। तो अगर क्वेश्चनों की बात करें तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों काम करने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी के सभी यहाँ बोर्ड पे करने वाले, उसके बाद अगले क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओगे कैसे अपने कमेंट्स के अनुसार। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है सर 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, ऐतिहासिक दिन रखा गया है सर 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इस बात का कैसे पता लगाओगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं भाई हमारा काम। कैसे पता लगाना है, आप लोग लिखोगे देखो 15 का 15, ये 15 का 15, उसके बाद प्लस का निशान। अब आप लोगों को पता करना है सर अगस्त का कोड कितना होता है। अब आप इस कोड की सहायता लोगे, अगस्त का कोड कितना दोस्तों 3, तो यहां पे कर दोगे प्लस में 3। उसके बाद यहां पे आप लोगों के सामने शताब्दी कौन सी रखी गई भाई, 1900। 1900 का मतलब क्या है, अगर आपके सामने 1900 से लेकर 1999 तक इनके बीच की अगर कोई भी ईयर आती है तो आपको शताब्दी का कोड हमेशा कितना लेना है, जो 1900 के सामने, 1900 के सामने कितना दोस्तों 0। और उसके बाद यहाँ पे जितनी ईयर है, जैसे 47 है तो आप लास्ट में 47 लिखोगे, 45 है तो 45 लिखोगे, 55 है तो 55, 60 है तो 60। यानी कि जितने भी यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट होंगे वो आपको सेम टू सेम लिखने हैं। और लास्ट में दोस्तों इसका एक कोड और बचता है, वो कोड क्या बचता है कि सर 1900 से लेकर, यानी कि जहां से शताब्दी शुरू हुई थी 1900 से लेकर 1947 तक, जो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 1900 से लेकर 1947 तक, हमें पता लगाना है कि इनके बीच में कितनी लीप ईयर आई है, कितनी लीप ईयर आई है। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारी लीप ईयर कितने साल के बाद आती है भाई, 4 साल के बाद। कितने साल के बाद दोस्तों, 4 साल के बाद, कि सर हमारी लीप ईयर आती है 4 साल के बाद। तब आप क्या कर सकते हो कि सर जो ये 1947 है, आप इसके 47 को एक साइड रखोगे, यानी कि 47 को उठाओगे और 47 को 4 से डिवाइड करोगे। कितने से डिवाइड करोगे भाई, 4 से। 4 से डिवाइड करने का कारण दोस्तों ये है कि सर जो हमारी लीप ईयर होती है वो कितने साल के बाद आती है, 4 साल के बाद आती है। तो आप इसलिए इसको 4 से डिवाइड करोगे। तो हम जल्दी से डिवाइड करते हैं सर, 4 एकम 4 कितना बचेगा भाई, 0। 7 उतार लिया, 4 एकम 4 कितना बचेगा दोस्तों, 3। अब की बार हमें इस 3 से कोई भी मतलब नहीं, 3 से हमें कोई मैटर नहीं, मतलब सिर्फ किससे है, इस 11 से। किससे भाई, इस 11 से। यानी कि 1900 से लेकर 1947 तक कितने लीप ईयर आए दोस्तों, 11। कितने लीप ईयर आए भाई, 11। मैं एक बार जल्दी से उनके नाम भी लिख के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना आए। कैसे, एक था 1904 में सर, बिल्कुल था। उसके बाद 1908 में, क्योंकि सर 4 साल के बाद आते हैं। उसके बाद कब आया होगा दोस्तों, सभी ने बोलना है सर 12 में। 12 के बाद भाई अगला 16 में, 16 के बाद अगला 20 में, 24 में, 28 में, 32 में, 36 में, 40 में, 44 में, और उसके बाद दोस्तों 48 में आएगा। लेकिन सर हमें 48 तक नहीं जाना, हमें सिर्फ 47 तक रहना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कितनी बार आया भाई, 11 बार। तो आप लोगों के सामने 2 फॉर्मूले हैं, एक तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, या दूसरा क्या है कि सर आपको 4 से डिवाइड करके देखना है और जो ऊपर संख्या आएगी वो हमारे लिए क्या होगी भाई, लीप ईयर। शाबाश। और अंत में आप सभी इनका क्या करोगे भाई, 7 से डिवाइड कर दोगे। ये जितने भी हमारी संख्या आएंगी इन सभी को आप लोग 7 से डिवाइड करोगे। कितने से डिवाइड करोगे दोस्तों, 7 से। अब फिर से आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर 7 से ही क्यों डिवाइड करना है,
भाई सात से दोस्तों इसलिए डिवाइड करना है कि सर हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सात दिनों में, सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी रहती है सर, सात, इसलिए हम कितने से डिवाइड करेंगे भाई, सात से। अगर सप्ताह में 5 दिन होते तो हम 5 से डिवाइड करते, 8 दिन होते तो हम 8 से डिवाइड करते। अब दोस्तों सप्ताह में कितने दिन है भाई, सात, तो आप कितने से डिवाइड करोगे सर, सात से डिवाइड करोगे, शाबाश। उसके बाद इन सभी का कर देना भाई जोड़, इन सभी का जोड़ आएगा दोस्तों हमारा 76, कितना आएगा भाई 76 यानी कि 76। अब दोस्तों इन सभी के जोड़ को हम लोगों को 7 से डिवाइड करना है सर, 7 से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करोगे सर, 7 × 70 कितना बच गया भाई, 6। अब की बार दोस्तों कितना बच गया, 6। अब आप लोगों को क्या करना है, अब की बार इस 10 से कोई मतलब नहीं, अब की बार हमें इसके शेषफल से मतलब है, शेषफल कितना आया दोस्तों, 6, कितना आया भाई, 6। तो 15 अगस्त 1947 को अब आपको पता करना है कि सर ये 6 है किसके सामने है, इनमें से किसके सामने है भाई, सर फ्राइडे के सामने है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था सर, शुक्रवार था, फ्राइडे था। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग, आप सभी को समझ में आया होगा कि सर हमें क्या करना था, सबसे पहले 15 का 15 एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, दोबारा से बताता हूँ, 15 का 15 अगस्त का कोड दोस्तों यहाँ पे देख के बताओगे कितना आएगा भाई, 3। उसके बाद 1900 का कोड लिखना था, 1900 का कोड कितना दोस्तों, 0, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद 47 का 47, और फिर आपको पता करना था 1900 से लेकर 1947 तक कितने लीप ईयर आएंगे, 1900 से लेकर 1947 तक कितने लीप ईयर आएंगे, कितने आएंगे दोस्तों, 11, जिनके मैंने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। और इन सारी की सारी संख्याओं का आपको जोड़ कर देना था, क्या कर देना था, जोड़। जोड़ करने के बाद इन सभी को दोस्तों 7 से डिवाइड करना था, क्योंकि सप्ताह में सर 7 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करोगे तो आपके नीचे शेषफल बचता भाई 6, कितना बचेगा, 6। जितना भी आपका शेषफल बचता है वो आप डेज के कोड से मिला के देखोगे और जिसके भी सामने वो होगा वही आपका दिन निकलेगा। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था भाई, फ्राइडे। यहां तक क्लियर है, शाबाश दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए क्या रहने वाला है। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ऐतिहासिक ही रहने वाला है, यानी कि सर 26 जनवरी 1950, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कैसे बता करोगे सर, सेम प्रोसेस रहेगी, सभी ने मेरे साथ बोलना है भाई, सभी ने बोलना है मेरे साथ, देखो 26 का 26, शाबाश। उसके बाद जनवरी का कोड कितना दोस्तों, 1, कितना भाई, 1। उसके बाद 1, 1900 का कोड कितना दोस्तों सर, 0, कितना भाई, 0। उसके बाद 50 का सर, 50, 50 का 50। उसके बाद फिर आपको पता करना सर 1900 से लेकर 1950 तक कितने लिपियर आए हैं, कितने लिपियर आए हैं। तो सर नॉर्मल से ट्रिक बताई गई थी कि सर जितनी भी संख्या हो, जितने भी पीछे वाले 2 डिजिट हो, उन सारे की सारी संख्या को आप 4 से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे दोस्तों, 4 से। 4 से डिवाइड करने का कारण ये बताया गया है कि सर हमारी जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद आती है, कितने साल के बाद आती है, 4 साल के बाद। तो 4 से डिवाइड करते हैं सर, 4 × 4 कितना बच गया भाई, 1, 0 उतार ली, 4 × 2 = 8, सॉरी 4 × 2 = 8, तो कितना बच गया भाई, 2। इस 2 से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, 12 से। तो 1900 से लेकर 1900 से लेकर 1950 तक हमारे कितने लीप ईयर आए दोस्तों, 12, कितने भाई, 12, शाबाश। और इन सभी को भाई हमें कितने से डिवाइड करना है, 7 से, कितने से, 7 से। तो जल्दी से इन सभी का जोड़ करते हैं और इन सभी का जोड़ आएगा दोस्तों 89, कितना आएगा भाई, 89, कितना जोड़ आएगा दोस्तों, 89। अब 89 जोड़ आएगा तो आप 89 जोड़ को कितने से डिवाइड करने वाले हो, हम पता करते हैं जल्दी से सर, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7 कितना बचेगा भाई, 1, और 7 × 2 = 14 कितना बचेगा दोस्तों, 5। अब नीचे अगर 5 बचा है, कितना बचा है भाई, 5। अब नीचे 5 बचा है तो 5 किसके सामने दोस्तों, सर वीरवार के सामने है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा कि सर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था भाई, वीरवार।
कौन सा दिन था दोस्तों? वीरवार। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का यहां तक क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ सर चलते जी, हैं। ये बताइए कि डाउट है, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा वार था? शाबाश। तो दोस्तों तेरह अब अप्रैल हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि सर 13 अप्रैल 1919 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब हमें ये बताना दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? सर नॉर्मल सी बात है, कैसे निकालोगे 13 का 13? शाबाश। उसके बाद अप्रैल का कोड कितना है दोस्तों? सर अप्रैल का कोड है भाई 0। उसके बाद 1900 का कोड कितना होता है दोस्तों? 1900 का कोड भी कितना है? सर 0। 1900 का कोड भी आप यहां पे लिख दोगे 0। उसके बाद 19 का 19 और लास्ट में फिर आपको पता करना कि सर 1900 से लेकर 1919 तक कितने लीप ईयर आए। कैसे पता करोगे? सर 20 के पीछे वाले 2 डिजिट उठाओगे और 4 से डिवाइड करोगे। चौकी चौकी 16 कितना बचेगा भाई? 3। 3 से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है? 4 से। तो आप लास्ट में कितना लिखोगे? 4। यानी कि अब हमें पता क्या करना था, 1900 से लेकर 1919 तक कितने लीप ईयर आए हैं? 4। कैसे पता किया? सर एक था 1904 में, 1908 में, 12 में, 16 में। उसके बाद तो 1920 में आएगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो आप कितने लिखोगे भाई? 4। और दोस्तों इन सभी का क्या कर देना था भाई? जोड़। इन सभी का जोड़ करना और दोस्तों 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि सर सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो जल्दी से इन सभी का जोड़ करते हैं। सभी का जोड़ आएगा दोस्तों 13 और 19 होते हैं हमारे 32, 32 और 4 होते हैं भाई सर 36। 36 को 7 से डिवाइड करते हैं, 36 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 5 = 35। कितना बचेगा दोस्तों? 1। कितना बचेगा भाई? 1। अब दोस्तों इस 5 से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है? 1 से मतलब है। और 1 किसके सामने है भाई? सर संडे के सामने है। किसके सामने भाई? संडे के सामने है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या माना जाएगा इसके अंदर? संडे। क्या माना जाएगा भाई? संडे। संडे। शाबाश, उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो रहेंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई करोगे, उसके बाद हम सभी मिलकर करते हैं। कैसे? आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन ये है, 15 जनवरी 1920 को, 15 जनवरी 1920 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यानी कि अब हमें क्या पता करना है कि सर 15 जनवरी 1920 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब इस बात का कैसे पता लगाओगे? एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान हो सभी का, देखो 15 का 15। शाबाश। उसके बाद आता है भाई जनवरी का कोड। क्या आता है? जनवरी का कोड। अब दोस्तों जनवरी का कोड अब तक हम क्या लिखते आए हैं? सर 1 लिखते आए हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अब हमें पता लगाना है कि सर 1920 लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर है तो कोड कुछ और आएगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो हमें कोड कुछ और लिखना पड़ेगा। कैसे पता करते हैं? देखो अगर ये 1920 है, आप इसके पीछे वाले 2 डिजिट को उठाओगे यानी कि 20 को उठाओगे। अगर आप 20 को उठाते हो तो इसको करोगे 4 से डिवाइड। कितने से? 4 से डिवाइड। अगर जो ये संख्या है 4 से पूरी पूरी भाग होती है तब तो ये लीप ईयर होगी। 4 से अगर पूरी पूरी भाग होती तब तो ये लीप ईयर होगी। अगर 4 से पूरी पूरी भाग नहीं होती तब ये लीप ईयर नहीं होगी। तो कैसे पता लगाओगे? सर 4 × 20 कि सर ये तो पूरी पूरी भाग होती है तो इसलिए क्या है दोस्तों? ये लीप ईयर है। इसलिए क्या है भाई? लीप ईयर। तो दोस्तों अब मैं कुछ संख्या आप लोगों के लिए बोलने वाला हूं, आप लोग मुझे बताओगे कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। कैसे पता लगाना है? कि सर जितनी भी संख्या बोली जाएंगी आप उसके पीछे वाले 2 डिजिट उठाओगे और 4 से डिवाइड करोगे। कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। अगर वो पूरा पूरा भाग होता है तब तो वो लीप ईयर है, अगर वो पूरा पूरा भाग नहीं होता तब वो लीप ईयर नहीं है। तो एग्जाम्पल की बात करें, मैंने एग्जाम्पल यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं भाई आप लोगों के सामने, 1928, 1942, 1962, 1947, 2008 और एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं भाई 1634। यानी कि अब हमें इन साल का पता करना कि सर ये लीप ईयर है या नहीं। कैसे पता करोगे? इसके पीछे वाले 2 डिजिट उठाओगे यानी कि 34 को उठाओगे। अब 34 को 4 से डिवाइड करके देखोगे,
अगर आप 34 को 4 से डिवाइड करते हैं, 8 चौक 32, कितना बचेगा दोस्तों? 2। यानी कि सर पूरा पूरा भाग नहीं हुआ तो ये लीप ईयर नहीं है, तो इसके ऊपर मैंने क्या मार दिया भाई, खट्टा मार दिया। अगले पॉइंट की बात करते हैं, 1928। अगर आप 28 को उठाते हो, 28 को उठाया और 4 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, यानी कि सर पूरा पूरा भाग होता है, इसलिए क्या है दोस्तों, ये लीप ईयर। जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, जो 4 से डिवाइड ना हो वो लीप ईयर नहीं है। क्या दोस्तों 1942 से 4 से भाग होगा? सर नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं है। क्या दोस्तों 1962 होगा? सर नहीं होगा। 1947? सर नहीं होगा। 2008? सर ये बिल्कुल होगा, अगर आप 08 को करते हो 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, सर पूरा पूरा भाग होता है, इसलिए ये लीप ईयर है। यानी कि सिंपल सी बात है, आप इसको नोट करके लिख भी सकते हैं, अगर आपको किसी भी ईयर का पता लगाना है कि वह लीप ईयर है या नहीं, तो उसके पीछे वाले दो डिजिट को, यानी उसके पीछे वाले दो डिजिट को उठाना है और उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर पूरा पूरा भाग होता है तब वो लीप ईयर है, अगर पूरा पूरा भाग नहीं होता तब वो लीप ईयर नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा, शाबाश। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हमें पता लग गया कि सर 1920 लीप ईयर है, 1920 क्या दोस्तों, लीप ईयर। तो आप जनवरी का कोड 1 की बजाय कितना लिखोगे? सर 0 लिखेंगे, शाबाश। उसके बाद 1900 का कोड कितना होता है? 0। 1900 का कोड भी कितना होता है? 0। उसके बाद 20 का, सर 20, 20 का 20, और 20 तक कितने लीप ईयर आएंगे भाई? 20 तक आएंगे दोस्तों आपके 5 लीप ईयर। 5 कैसे? एक आएगा आपका 1904 में, 1908 में, 1912 में, 1916 में और 1920 में। यानी कि कोड कितने आए भाई? 5। तो आप 5 लिखोगे और इन सभी को दोस्तों आप कितने से डिवाइड करोगे? सर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? सर 15 और 5 20, 20 और 20 40। 40 को अगर 7 से डिवाइड करते हो तो मुझे 35 भाई कितना बच गया दोस्तों? 5। कितना बचता है? 5। और ये 5 किसके सामने है? सर वीरवार के सामने है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या आएगा? सर वीरवार। क्या आएगा भाई? वीरवार। क्या जाएगा दोस्तों? वीरवार। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन का मतलब क्या है? हम नज़दीक की डेट को पता करते हैं, जिससे हमारे फॉर्मूले का पता चलेगा कि सर वो सही है या गलत है। तो दोस्तों आज की डेट पता करते हैं। आज की डेट का मतलब क्या है कि हम पता करेंगे 21, 20 का पता करते हैं। चलो 20 मार्च 2020, शाबाश, 20 मार्च का पता करेंगे। तो दोस्तों हम आज की डेट का पता करते हैं कि सर हमारे इस फॉर्मूले से सर आज की डेट सही निकलती है गलत निकलती है। अगर हमारे इस फॉर्मूले ने आज की डेट को सही बताया तब तो हमारी ट्रिक कारगर है, और गलत बताया तो दोस्तों पहले वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे भाई? गलत होंगे। तो जल्दी से ट्राई करके देखते हैं कि सर 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। कैसे पता करोगे? देखो सर 20 का 20, मार्च का कोड कितना होता है भाई? 4। कितना होता है? 4। उसके बाद 2000 का कोड सर 6। उसके बाद 20 का 20, 20 का 20, और लास्ट में दोस्तों कितने लीप ईयर आए हैं? 5। कितने लीप ईयर आए हैं? 5। एक 2004 में, 2008 में, 12 में, 12 के बाद 16 में और फिर 20 में। कितने आ गए भाई? 5। और इन सभी को आप करने वाले हो 7 से डिवाइड। तो एक बार जल्दी से इन सभी का जोड़ करते हैं। 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 5 55। कितने होते हैं भाई? 55। 55 को दोस्तों अगर आप लोग 7 से डिवाइड करोगे 77 49, कितना बचेगा दोस्तों? 6। कितना बचेगा भाई? 6। और दोस्तों 6 का मतलब क्या है कि सर फ्राइडे। तो दोस्तों आज सप्ताह का कौन सा दिन है? फ्राइडे। और दोस्तों और सप्ताह का आज रियल में कौन सा दिन है भाई? फ्राइडे ही है। कौन सा दिन है? फ्राइडे। जिससे हमें पता चलता है कि सर हमारा फॉर्मूला भी सही है और ट्रिक भी सही है। यानी कि अब तक दोस्तों हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे क्या थे भाई? सही थे। यानी कि दोस्तों अब हम अपनी टाइप का हम कितना ही लेवल बढ़ा सकते हैं, अब हमारे मन में ये पॉइंट नहीं आ सकता कि सर कहीं हमारी ट्रिक तो गलत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। तो जल्दी से हम अच्छे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चनों में थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। कैसे पता करोगे? क्वेश्चन नंबर
फाइव। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, थोड़ा सा और लेवल अप करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद थोड़े से और अच्छे क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहने वाला है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर और 1642। क्वेश्चन अच्छा है, 22 दिसंबर 1642 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कैसे बता करोगे, वही फॉर्मूला है सर, 22 का 22, दिसंबर का कोड 6, 1600 का कोड दोस्तों कितना है सर, 1600 का कोड भी कितना है 6, उसके बाद 42 का 42, और 42 तक दोस्तों कितने लीप ईयर आए हैं सर, 10 लीप ईयर आए हैं, कैसे पता किया, 42 को आपको करना है 4 से डिवाइड, 4 एकम 4 कितना बच गया 0, और 2 उतार लिया नहीं चला तो भी 0 लगा, तो दोस्तों कितने लीप ईयर आ गए भाई 10, और इन सभी को कितने से डिवाइड करोगे सर, 7 से डिवाइड करेंगे, 42 और 22 होते हैं दोस्तों हमारे 64, कितने होते हैं भाई 64, 64 और 12, 64 और 12 की अगर दोस्तों हम बात करें, 64 और 12 होते हैं हमारे 74, कितने होते हैं भाई 74, 74 और 10 84, 84 को 7 से डिवाइड करने वाले हैं, 7 एकम 7 कितना बच गया 1, और 7 दुनी 14, अब दोस्तों पूरा पूरा भाग होता है तो कितना बच गया 0, यानी कि 22 दिसंबर 1642 को, 22 दिसंबर 1642 को दोस्तों सप्ताह का कौन सा दिन था भाई, शनिवार था, शाबाश दोस्तों, कौन सा दिन था भाई शनिवार, कौन सा दिन था शनिवार, उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें थोड़ा सा और अच्छा सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये है सर, 15 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था, इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूं भाई, कि जिसको आप अच्छे ढंग से कर पाओ, 15 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था, ठीक है, अगर ज्यादा टाइम चाहता है तो चाहिए तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप मन चाहे इसके अंदर टाइम ले सकते हो, जितना भी आपको टाइम की जरूरत है, तो एक बार जल्दी से मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि सर इसमें हमें क्या करना था। देखो 15 का 15, अब दोस्तों हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि सर अब हमें पता करना है कि जनवरी का कोड 1 ले या 0 ले, जनवरी का कोड दोस्तों कितना लेने, 1 ले या 0 ले, इस बात का कैसे पता करोगे, देखो अब हमें पता लगाना कि सर 1900 लीप ईयर है या नहीं, 1900 लीप ईयर है या नहीं, तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप इसको नोट करके भी लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं एक बार आप लिखने की कोशिश करना अगर आप नोट बनाते हो, अगर किसी भी शताब्दी का पता करना हो, किसी भी शताब्दी का पता करना हो कि वह लीप ईयर है या नहीं, अगर किसी भी शताब्दी का पता करना हो कि वह लीप ईयर है या नहीं, तो उस शताब्दी को 4 से डिवाइड ना करके, तो उस शताब्दी को 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड किया जाता है, 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड किया जाता है, अगर वह शताब्दी पूरी पूरी भाग हो जाए तो, अगर वह शताब्दी पूरी पूरी भाग हो जाए तो वह लीप ईयर होगी, अन्यथा नहीं, वरना नहीं, अगर वह शताब्दी पूरी पूरी भाग हो जाए तो वह लीप ईयर होगी, अन्यथा नहीं, वरना नहीं, उम्मीद है यहां तक क्लियर है। अब कैसे पता करोगे, 1900 है, देखो दोस्तों 1900 क्या है, शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या है, 100 सालों का समूह। अब दोस्तों यहां पर मैंने जितनी भी ये डेट लिख रखी है वो सारी की सारी क्या है, शताब्दी है, सेंचुरी है, अब जितनी भी ईयर है अगर हमें इनका पता लगाना है कि वो खुद लीप ईयर है या नहीं, तो आप दोस्तों 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, कितने से डिवाइड करोगे 400 से, कितने से भाई 400 से, तो अब 400 से डिवाइड करके देखना है सर, चौकी चौकी 16, यानी कि 1600 आया, कितना बचेगा भाई 300, यानी कि सर पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, तो ये 1900 लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है, तो मैं कुछ एग्जांपल और बोलता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे वो लीप ईयर है या नहीं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया भाई 1200, उसके बाद 1500, उसके बाद 1800, 2200, 2400, 3600, आप लोग मुझे बताओगे ये लीप ईयर है या नहीं, देखो कैसे पता करना है, क्या दोस्तों 1200 400 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, सर बिल्कुल डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर है,
क्या दोस्तों 1500 400 से डिवाइड होता है पूरा पूरा? सर 400 से डिवाइड नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं है। 1800 पूरा पूरा भाग होता है 400 से? सर नहीं होता। 2200 सर ये भी नहीं होता। 2400 सर 2400 होता है तो 2400 लीप ईयर होगा। उसके बाद 3600 सर 3600 भी होता है तो ये भी लीप ईयर होगा। सर ये भी लीप ईयर होगा। तो जो भी अगर हमारे सामने लीप ईयर आते हैं तो आप जनवरी और फरवरी का कोड है उनमें 0 और 3 रखोगे। कितना भाई? 0 और 3 यानी कि 0 और 3। अगर नॉन लीप ईयर आते हैं, अगर वो लीप ईयर नहीं है, तब आप जनवरी और फरवरी का कोड 1 और 4 रखोगे। कितना दोस्तों? 1 और 4। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लें, उसके बाद डिटेल में चलेंगे थोड़ा सा। देखो कैसे, अब आप लोग मुझे बताओगे 1900 लीप ईयर है या नहीं? सर 1900 लीप ईयर नहीं है, जिसका हमने अभी अभी पता किया है। तो आप जनवरी का कोड दोस्तों कितना लिखने वाले हो? सर जनवरी का कोड आएगा 1। कितना भाई? 1। उसके बाद 1900 का कोड दोस्तों कितना रहने वाला है? सर 1900 का रहता है 0। और लास्ट में कितने 0 है? सर 00। तो आप यहाँ पे भी 00 लिख दोगे। उसके बाद 1900 से लेकर 1900 तक क्या दोस्तों कोई लीप ईयर आया? सर कोई भी लीप ईयर नहीं आया। तो आप यहाँ पे भी कितना लिख दोगे? 0। यहाँ पे भी कितना लिख दोगे? 0। उसके बाद दोस्तों हमें इन सभी को कितने से डिवाइड करना था? सर 7 से डिवाइड करना था। 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि सर 15 और 1 16। तो दोस्तों 16 को 7 से डिवाइड करना है। 7 × 14 कितना बचेगा भाई? 2। कितना बचेगा? 2। और दोस्तों ये 2 किसके सामने है भाई? मंडे के सामने। किसके सामने है? मंडे के सामने। यानी कि 15 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था दोस्तों? मंडे यानी कि सोमवार। 15 जनवरी 1900 को दोस्तों कौन सा दिन था भाई? मंडे था यानी कि सोमवार था। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जो रहेगा हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी ईयर का पता करते हो, अगर आप किसी भी ईयर का पता करते हो कि वो लीप ईयर है या नहीं, अगर आप किसी भी ईयर का पता करते हो तब आपको करना है 4 से डिवाइड। कितने से डिवाइड करना भाई? 4 से। अगर आप किसी भी शताब्दी का पता करते हो कि वो लीप ईयर है या नहीं, तब आपको दोस्तों कितने से डिवाइड करना है? 400 से। कितने से डिवाइड करना भाई? 400 से। शाबाश। अब जल्दी से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो रहेगा हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, आप लोग मुझे बताओगे सर 25 फरवरी 1800 को कौन सा दिन था? 25 फरवरी 1800 को कौन सा दिन था? तो जल्दी से पता करते हैं। 25 का 25। उसके बाद आप पता करोगे कि 1800 को कितने से डिवाइड करना है, कि सर 1800 क्या है? शताब्दी है। 1800 तो सर शताब्दी है। तो शताब्दी का दोस्तों पता करने के लिए कि वह लीप ईयर है या नहीं, उसको 4 से डिवाइड नहीं किया जाता, उसको 400 से डिवाइड किया जाता है। कितने से? 400 से। तो आप 400 से डिवाइड करके देखोगे 1800 को कि सर 1800 है ये 400। चौकी चौकी 16 कितना है भाई? 1600। अब कितना बच गया? 200। अगर इसके नीचे कुछ भी बचता है तो दोस्तों ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड दोस्तों आप 3 की बजाय कितना लिखोगे? 4। कितना भाई? सर प्लस में 4। 1800 का कोड कितना है? यहाँ पे लिख रखा 1800 का कोड कितना है भाई? 2। उसके बाद 00, तो यहाँ पे भी 00। और यहाँ तक कोई भी लीप ईयर नहीं आई तो उसके लिए भी 0। और इन सभी को करना दोस्तों 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे, 25 और 4 कितने होते हैं भाई? 29। 29 और 2 31। 31 को करते हैं जल्दी से 7 से डिवाइड। 7 × 28 कितना बच गया दोस्तों? 3। और नीचे कितना बचा है? 3। 3 का मतलब क्या है कि सर 3 है हमारा मंगलवार के सामने। किसके सामने भाई? मंगलवार के सामने। यानी कि 25 फरवरी 1800 को दोस्तों हमारा कौन सा दिन था? मंगलवार। कौन सा दिन था भाई? मंगलवार। उम्मीद है दोस्तों यहां तक क्लियर होगा। आज के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों ये है, 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? कैसे पता करोगे? देखो 15 का
15, सभी मेरे साथ बोलेंगे 15 का 15। उसके बाद अगस्त का कोड दोस्तों यहां पे देख के बताओगे अगस्त का कोड कितना होता है सर 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। उसके बाद 2000 का कोड कितना होता है दोस्तों सर 2000 का कोड होता है 6 यानी कि 6, तो यहां पे लिख दोगे 6। उसके बाद 21 का सर 21। उसके बाद आपको पता करना था कि सर 2000 से लेकर 2021 तक कितने लीप ईयर आए, कैसे पता करोगे सर 21 को उठाना है 4 से डिवाइड करना है, 5 के 20 कितना बचेगा 1, 1 से कोई मतलब नहीं, 5 से मतलब है, यानी कि आपको ऊपर लिख देना है 5, यानी कि 2000 से लेकर 2021 तक आपके 5 लीप ईयर आए हैं। एक आ 2004 में, 2008 में, 12 में, 16 में और 20 में, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा भाई पांचवा, तब आपको 5 लिख देना है और इन सभी को आप लोग 7 से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करना है भाई 7 से, तो जल्दी से इनका जोड़ करते हैं 15 और 5 20, 20 और 21 होते हैं 41, 41 और 6 होते हैं भाई 47, 47 और 3 50। जल्दी से एक बार दोबारा से जोड़ करके देखते हैं 15 और 5 20, 20 और 21 41, 41 और 6 47 और 3 50, 50 को 7 से डिवाइड करेंगे 47, 49 कितना बचेगा दोस्तों 1, जितना हमारा नीचे आता है वही हमारे लिए आंसर होगा। अब एक बचा है तो एक किसके सामने है भाई सर संडे के सामने है, तो लास्ट क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या आएगा सर 15 अगस्त 2021 जो आने वाली ईयर है उसमें 15 अगस्त का कौन सा दिन रहेगा भाई संडे रहेगा, कौन सा रहेगा दोस्तों संडे। तो दोस्तों हम आज के लिए करने वाले हैं इतना ही, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए शेयर कीजिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।